हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे आईसीएआर थर्ड राउंड कट ऑफ 2021 के बारे में, कितने रैंक पर कौन सा कोर्स और कौन सा यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है। ठीक, ये वीडियो खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई भी सीट आईसीआर में एडमिट नहीं किए हैं, यानी एडमिशन नहीं लिया है, कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई है, उन सभी के लिए है। बाद बाकी जिनको सीट मिल चुकी है ऑलरेडी, वो तो अपना केवल मेल पर जो है उनका नोटिस या फिर अपडेट आएगा, ठीक है, और या फिर उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की। मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी अधूरे हैं एडमिशन लेने से, जिनके एडमिशन अभी नहीं हुए हैं, तो उनको एक अंदाज़ा ये होगा कि हमारी रैंक कहाँ तक है और कहाँ तक एडमिशन मॉपअप में होगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि हमारी रैंक अगर इतनी आ रही है तो हो सकता है कि मॉपअप में कोई सीट, कहीं कोर्स, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लायक हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। और देखिए, ये कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं है कट ऑफ का, ऐसा नहीं कि मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट नहीं करते हैं या मुझे अंदाजा नहीं होता कि इतने रैंक तक यहाँ कट ऑफ गया होगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है थर्ड राउंड का, जहाँ तक मुझे कमेंट से, मैसेज से जानकारी मिली है कितने रैंक तक यूनिवर्सिटी मिली है, ठीक है। तो उसके बेस पर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक, ताकि आपको कोई ऐसा ना लगे कि ये कोई फालतू वीडियो है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टॉप यूनिवर्सिटी लेकर के जहाँ तक एडमिशन हुआ उसके बारे में बात करें, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है मॉपअप में तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जो बीएससी एग्रीकल्चर जो कट ऑफ गई है वो 7000 रैंक तक गई है, और मैं बता दूँ आपको ये आपकी बीएससी एग्रीकल्चर जनरल और ओबीसी का कट ऑफ है ये, ठीक। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक स्टूडेंट की जो रैंक है वो आपको शायद यकीन ना हो, 7442 रैंक है इस स्टूडेंट को, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली है जो उत्तर प्रदेश में है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट कर्नाटका का है, मुझे नाम पता नहीं, मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, ठीक है। तो ये बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ये। तो यहाँ तक आपकी रैंक ये है फाइनल आपका यहाँ पर, जहाँ तक मुझे आइडिया है 7000 रैंक तक। अब वो हो सकता है कि 7500 भी हो सकता है, 7500, 7600 और 7000 जो नीचे रैंक वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे हम रैंक और यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स के बारे में, ठीक। ये तो बात होगी इसके बारे में। अब मैं बता दूं आपको जहाँ जहाँ तक एडमिशन हुए हैं, 5999 रैंक है एक स्टूडेंट की, ओबीसी कैटेगरी का ये, ठीक है। इसको जो यूनिवर्सिटी मिली है वो बसंत राव नायक परवानी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी मिली है वो बसंत राव, ठीक, और ये परवानी, मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक स्टूडेंट है एससी कैटेगरी का, इसको यूनिवर्सिटी मिली है, पहले मैं आपको जनरली बात कर लेता हूँ, ठीक है। और एक स्टूडेंट है 5600 रैंक का, 5693 रैंक, इसको यूनिवर्सिटी मिली है वो महात्मा फुले यूनिवर्सिटी, महात्मा फुले ये महाराष्ट्र में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये आपका राहौरी, सॉरी, ठीक है, ये आपका राहौरी, राहौरी महाराष्ट्र, ठीक, ये है। अब ये तो जनरली जनरल ओबीसी की बात हो गई, अब यहाँ पर मैं अगर एससी एसटी की बात करूँ तो एक विद्यार्थी एसटी कैटेगरी का है जिसकी रैंक जो है, एसटी कैटेगरी है उसकी रैंक जो है 8247 है, 8247 है, ठीक है। और इसकी जो, इसका जो एडमिशन हुआ है और इसकी एसटी जो रैंक है वो 107 है, ये आपकी यूआर मतलब ये जनरल, ये आपकी वो है ऑल इंडिया रैंक है, और जो एसटी कैटेगरी जो रैंक है आपकी वो 107 है। इस विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी मिली है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना मिली है, ठीक है, जो टॉप यूनिवर्सिटी, हालांकि सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है, फीस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ तक एडमिशन पहुँचा है टॉप यूनिवर्सिटी में। एक विद्यार्थी जो है उसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, 18990 एससी कैटेगरी का, एक विद्यार्थी एससी कैटेगरी के, उसकी रैंक 18990 है, 990 है, और इसको यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है वो डॉक्टर राजन, ये है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला, ठीक है, अकोला, इसको प्राप्त हुई है। तो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का ये एक एग्जैक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है। अब इसके बाद में, अब आप मान लो जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, अब मैं समझता हूँ जब ये अभी मॉपअप होने वाला है, ठीक है, तो मॉपअप आप हम लोग क्या देखेंगे कि जिन विद्यार्थियों का रैंक जनरल और ओबीसी रैंक है, ठीक है, मॉपअप में,
तो जिन विद्यार्थियों की रैंक, अगर जनरल रैंक देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अब ये 7000 रैंक तक हो सकता है, आपके रैंक 8000 तक हो सकता है, आपके रैंक 9000 तक हो, मैं बात कर रहा हूँ जनरल ओबीसी कैटेगरी की, ठीक। तो इनको मिलने की संभावना होगी आपकी इसमें। अब कुछ विद्यार्थियों की रैंक 10 से ऊपर तक है तो उनको एग्रीकल्चर कोर्स मिलना थोड़ा सा यहाँ पर असंभव होगा। अगर आपको लग रहा है आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले वीडियो में सलाह दे चुका हूँ, अगर आपकी रैंक 10000 के ऊपर है और एग्रीकल्चर ही चाहिए, ठीक है, तो आप काउंसलिंग साथ साथ तैयारी भी शुरू कर दें अपनी, ताकि अगले साल के लिए आप बेहतर सिलेक्शन के साथ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकें। चूंकि ये जो मॉपअप वाला कंडीशन है ना, ये पूरे जनवरी भर चलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक, जनवरी निकल जाएगी आपकी इसी में, ठीक। बाद भाई क्या होता है, फिर एनटीए के हिसाब किताब आप देखते हो कब फॉर्म आता है, ठीक है, पर वो पता लगा मई जून में फॉर्म ही आ रहे हैं, इसके बाद जो एग्जाम भी एकदम से धर देगा तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए आप साथ साथ तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मेरी एक सलाह आपके लिए पर्सनल है आपको, ठीक। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बारे में, ये तो बात होगी आपकी एग्रीकल्चर के बारे में, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। अच्छा, जो एक एनडीआरए की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, एनडीए स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी है, ऑनलाइन क्लास का एनडीआरआई में जो एक स्टूडेंट्स है उसका कट ऑफ जो है उसका परसेंटाइल 97.4 परसेंटाइल है, ठीक है, और इसकी जो रैंक है 97.4 परसेंटाइल, कुछ बच्चे का बीटेक डिग्री का बताइएगा, तो इसकी जो रैंक है वो 3192 रैंक है, इसको जो है एनडीआर यूनिवर्सिटी मिली है और जनरल कैंडिडेट है ये, ठीक है। तो एनडीआरआई मैं यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसे, एक हमारे यहाँ बच्चा था उसका 96 परसेंटाइल था, 96.4 उसको यूनिवर्सिटी मिली है अभी, आपकी जो गुजरात में यूनिवर्सिटी एक है, ठीक है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वहाँ पर उसको प्राप्त हुई। तो जिन विद्यार्थियों के परसेंटाइल 96-95 के ऊपर हैं, मतलब जिन विद्यार्थियों के 96 परसेंटाइल रहे हैं उनका 100% बीएससी एग्रीगेटिव सिलेक्शन हुआ है। और जब मैंने वीडियो पहले बनाया तो मैंने कहा था 96 लेकर के जितना परसेंटाइल 99.9 तक है इन विद्यार्थियों को बीएससी एग्रीकल्चर सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। चूंकि इसकी जो रैंक है यहाँ पर 96 वाले पर वो करीब 4900 के आसपास है, तो 100% जब 7000 तक कट ऑफ गई है तो इसका मतलब वो उसका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो कट ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे आइडिया है बीएससी हॉर्टिकल्चर बारे में एक एडमिशन है 8035, ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक और ये जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, इसको यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है वो श्री कोंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। हम यहाँ नाम लिख दें ताकि आप ये लगे कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, जो कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं मैं देखा किसी किसी यूट्यूब चैनल पर, श्री कोंडा लक्ष्मण, ठीक, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर आपकी तेलंगाना में, ये है आपका तेलंगाना। अब आप ये समझ जाएंगे इसका मतलब जिन विद्यार्थियों का रैंक 10000 तक है और अगर वो 10000 क्या मान सकते हैं 11000 तक है जनरल ओबीसी के, तो उनको मॉपअप में एडमिशन मिल सकता है। अब जब यहाँ तक है तो आप पता है कि इसके नीचे वाले में एडमिशन गए इनकी यूनिवर्सिटी में प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ रैंक वाइज कहाँ कहाँ मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7667 पर जो मिला है, 7667 पर जो मिला यूनिवर्सिटी में, ये डॉक्टर यशवंत राव हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉक्टर YSR यशवंत राव हॉर्टिकल्चर, ठीक, यहाँ मिला हुआ है। एक सिलेक्शन जो है 6714 रैंक पर, ये मिला हुआ आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा समस्तीपुर बिहार, ठीक, समझ जाएंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक कैंडिडेट जनरल का है उसका 7300 और ये मिला है आपका जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में मिला है, ठीक। एक विद्यार्थी यहाँ पर 8035 रैंक का है उसको हॉर्टिकल्चर मिला है, ठीक, और एक विद्यार्थी जो है ओबीसी कैटेगरी का, इसकी रैंक 8419 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी का है, इसको एडमिशन मिला है रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। तो अब आप अंदाजा लग जाएगा कि हॉर्टिकल्चर में एडमिशन जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं।
ठीक है, ये बात हो गई आपकी हॉर्टिकल्चर को लेकर के। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखें फिशरीज में, ये बात हो गई जनरल ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अब लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिशरीज साइंस में। ठीक, देखिए फिशरीज में मुझे दो कैंडिडेट अच्छे से पता है, एससी और ओबीसी कैंडिडेट, और इनका रैंक भी काफ़ी ज़्यादा है, इनको सिलेक्शन जो है फिशरीज मिला हुआ। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। ठीक, फिशरीज में, मछली पालन में, तो फिशरीज में जो हाईएस्ट एक है विद्यार्थी एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी, इसकी जो एससी कैटेगरी में रैंक है वो 1447 है, और जो ऑल ओवर रैंक है वो 24388 रैंक है। इस विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी फिशरीज में एडमिशन इसका हुआ है। ठीक, एससी कैटेगरी का, और एसटी के कैंडिडेट है, एसटी का, चलिए खैर, और जनरल और ओबीसी लगभग मानते हैं हम लोग। यहाँ इसका जो एडमिशन हुआ है वो 9000 रैंक तक हुआ एडमिशन, 9000 रैंक तक, डॉक्टर राजन प्रसाद पूसा में। ठीक, तो ये एडमिशन है आपको यहाँ पर, यहाँ तक लगभग, और बाद बाकी इसमें इतने हैं तो एसटी का और ज़्यादा यहाँ पर गया होगा। अगर एसटी का कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है, शायद मुझे यूनिवर्सिटी उसका पता नहीं है इसमें। ठीक है, इसका कुछ 27000 प्लस एडमिशन पर हुआ एडमिशन। ठीक है, ये आपका है फिशरी साइंस के लिए। एससी एसटी वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है जाती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बीटेक डेयरी, बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में, बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, तो बीटेक एग्रीकल्चर में एक विद्यार्थी है, देखिए बीटेक एग्रीकल्चर में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ गया हुआ है, मैं पहले बात करूं जनरल कैटेगरी का, और 16800 रैंक है इसकी, 800 रैंक है, और इसको जो मिला है वो बाला साहब यूनिवर्सिटी है, ये डेपोली में। ठीक है, बाला साहब यूनिवर्सिटी है, ये डेपोली में है, यहाँ तक एडमिशन हुआ है। ठीक, एससी का जो कैंडिडेट एक है, इसको बीटेक एग्रीकल्चर मिला है पंजाब एग्रीकल्चर लुधियाना में, और इसकी 20500, एससी का जो कैंडिडेट है इसकी 20500 रैंक है, इसको मिला है पीएयू एग्रीकल्चर लुधियाना, ठीक, पंजाब एग्रीकल्चर। और एक विद्यार्थी यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी का है, इसका जो रैंक है 34600 रैंक है, इसको जो प्राप्त हुआ है वो प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको पता होगी तेलंगाना, ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, और एक विद्यार्थी यहीं पर एससी कैटेगरी का है, इसकी बहुत ज़्यादा रैंक है 43103, इसकी जो रैंक है वो 43103, तो हाईएस्ट रैंक यहाँ पर एससी कैटेगरी की यही है। ठीक है, 43000, और इसका एडमिशन जो हुआ है वो पीबी नरसिंगा राव, ठीक है, पीबी नरसिंगा राव तेलंगाना हैदराबाद, पीबी नरसिंगा राव तेलंगाना हैदराबाद। ठीक, ये है, तो ये एडमिशन आपका है, यहाँ तक हो गया। ठीक, तो एक विद्यार्थी यहीं पर जनरल कैटेगरी का, उसका 13889 रैंक है। जब मैंने यहाँ पर लिख दिया तो आप समझते हैं जनरल कट ऑफ जो है लगभग 17000 तक लगभग बीटेक एग्रीकल्चर में गया होगा। अगर विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है तो उसका रैंक 17000 तक आप मान लीजिए, हो सकता है कहीं का 17500 रैंक भी ज़्यादा हो सकती है, मैंने बताया था वेरिएशन थोड़ा सा यहाँ पर रहता है। तो ये लगभग लगभग बात हो गई आपकी इसके बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं इसके बाद। अच्छा, आप बात करेंगे आप फॉरेस्ट्री कम्युनिटी साइंस के बारे में, फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस के बारे में। तो देखिएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी साइंस। तो फॉरेस्ट्री बारे हम लोग देखेंगे, तो फॉरेस्ट्री का जो एडमिशन है मुझे जहाँ तक पता है वो राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में हुआ है, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है ये, और इसका जो है 8591 रैंक पर हुआ है। हालांकि फॉरेस्ट्री का भी कट ऑफ जो है बहुत
अगर ज़्यादा रैंक हो तब भी उसको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाता है, ठीक है, कम ही रहता है। सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर का है, फिर हॉर्टिकल्चर का है, फिर फिशरीज का है, ठीक है, और बीटेक डेयरी का है, ठीक। इसके बाद में जो कम रहता है वो आपका सबसे कम रहता है एग्रीकल्चर का, बीटेक एग्रीकल्चर का, और इसके बाद फिशरीज फॉरेस्ट्री का, और इसके बाद रहता है एक और कम्युनिटी साइंस का, ठीक। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का अभी हमने बताया था आपको, जो फिशरीज का हुआ है, बीटेक एग्रीकल्चर हुआ, 18 हुआ है, तो फॉरेस्ट्री का जो है वो फिशरीज के आसपास कहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी पूसा में, ठीक, ये है। अब लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कम्युनिटी साइंस के बारे में, कम्युनिटी साइंस के बारे में। तो जो कम्युनिटी साइंस का सिलेक्शन जो है वो ये हुआ है करीब जो है 9000 रैंक तक, ठीक है, 9068 रैंक तक पता है विद्यार्थी को। और इसका एडमिशन जो हुआ है कम्युनिटी साइंस में वो डॉक्टर राजन, एक विद्यार्थी और है, 9628 इसका जो सिलेक्शन है वो डॉक्टर राजन प्रसाद पूसा समस्तीपुर, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों का रैंक, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में कि आपकी रैंक अगर इतना तक है तो आपको सिलेक्शन कहाँ तक मिल सकता है मॉपअप में, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, जनरल ओबीसी कैटेगरी बात करेंगे। अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी 9000 रैंक तक है, 9000 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक है, तो उसको बी एड करना चाहिए मॉपअप में, उसको मिल सकता है, ठीक। अगर विद्यार्थी यहीं पर एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है, क्योंकि इसकी रैंक जो गई थी वो उसमें कितनी मैंने बताई थी आपको, सबसे पहले पीएयू में 8247 रैंक और 18,990 के आसपास है। अगर ये एग्रीकल्चर चाहिए तो अगर इसकी रैंक करीब 25,000 तक है तो उनको वेट करना चाहिए मॉपअप में एससी एसटी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर अगर आप लेना चाहते हैं, कैंडिडेट अगर जनरल का है या ओबीसी का है, तो उसको वेट कहाँ तक करना पड़ेगा, अगर आपकी रैंक 11000 तक है, ठीक, तो आपको वेट करना चाहिए मॉपअप में। मैं बात कर रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, अगर आप कहीं नहीं मिला हुआ है तो, ठीक। ये चूँकि अब ऐसा कोई जरूरी नहीं जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है उसको बहुत वेट करना चाहिए, आप अगले साल का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा और साथ साथ करते हुए जाइए काउंसलिंग, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, डेली कोई जाना था नहीं कागज लेके, हाँ जो वहाँ जाना आज वहाँ जाना, घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो क्या दिक्कत उसमें आप, लेकिन साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, भरोसा कम रखिएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी हॉर्टिकल्चर बारे में, ठीक। इसके बाद आप, मैंने जितने यहाँ पर रैंक आपको बता दी है, अगर उसके थोड़ा बहुत आसपास यानी 2000 रैंक प्लस में कहीं पर आप हैं अगर, ठीक है, जितने रैंक मैंने बताई कट ऑफ यहाँ पर, अगर आप 2000 प्लस में रैंक में हैं तो आप मॉपअप में सीट पाने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक, काफ़ी मतलब टाइम लगा मुझे वीडियो बनाने में, मुझे 2-3 दिन पहले ही बनाना चाहिए लेकिन किसी समस्या में थोड़ा सा पीड़ित था कहीं पर, ठीक है। तो आज फिर आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।